हमारे दिल्ली के कई बाजार ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक-एक बाजार की अपनी पहचान है, अपनी कहानी है। दिल्ली में लगभग 3.5 लाख दुकानें हैं और इन बाजारों में लगभग 7.5-8 लाख के करीब लोग काम करते हैं। जैसा कि हमने बजट के दौरान ऐलान किया था कि दिल्ली के बाजारों को रीडेवलप किया जाएगा, इनकी रीडेवलप का मतलब बाजारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, पार्किंग है, खूबसूरती है, और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। उनको देश के सामने, दुनिया के सामने इन बाजारों को एक ब्रांड के रूप में, हर बाजार को अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करके उनको देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फेज वन में हम 5 बाजार ले रहे हैं। सारे बाजार एक साथ नहीं किए जा सकते, बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। फेज वन में हम 5 बाजार ले रहे हैं। कौन से 5 बाजार? ये हमने एसी कमरे में बैठ के तय नहीं किया, ये हमने लोगों के साथ मिलके तय किया कि पहले फेज में वो कौन से 5 बाजार होने चाहिए जिनका रीडेवलपमेंट और ब्रांडिंग की जाए। इसके लिए 22 अप्रैल को सभी अखबारों में इश्तिहार दिया गया कि जो जो मार्केट एसोसिएशंस चाहती हैं कि उनके बाजार को रीडेवलप किया जाए, वो अप्लाई करें। उस एप्लीकेशन में उन्होंने मार्केट एसोसिएशंस क्यों रीडेवलप कराना चाहती है, वहां क्या क्या कमियां हैं, कैसे होना चाहिए, एक मोटी मोटी उन्होंने मार्केट एसोसिएशंस ने फॉर्म में लिख के भेजा। हमारे पास लगभग 49 एसोसिएशंस के एप्लीकेशन आए, जिसमें 33 मार्केट की 49 एप्लीकेशंस आई। हमने एक 8 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनाई जिसमें अफसर भी थे और उसमें इंडस्ट्री और मार्केट एसोसिएशंस के लोग भी थे। इन 8 मेंबर कमेटी ने उसके बाद फिर इन सारी एप्लीकेशंस को देखा, मार्केट एसोसिएशंस के साथ इंटरेक्ट किया, जो एप्लीकेंट्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया, और उन्होंने 9 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया। और फिर ये उन 9 बाजारों में घूम के आई ये कमेटी, और 9 बाजारों में घूमने के बाद इन्होंने इन 5 बाजारों को शॉर्टलिस्ट किया। वो कौन से 5 बाजार हैं, सब लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि कौन से 5 बाजारों को इस बार रीडेवलप किया जा रहा है। खासकर मार्केट एसोसिएशंस और बाजार वालों को, दिल्ली के दुकानदारों को इसके बेहद इंतजार था। आज मैं उन 5 बाजारों के नाम का ऐलान करने जा रहा हूं जो सबसे पहले रीडेवलप किए जाएंगे। सबसे पहला बाजार है कमला नगर। सेलेक्शन कमेटी ने यह भी लिखा है कि उस बाजार की यूएसपी क्या है, उस बाजार को किस तरह से ब्रांड किया जाएगा। तो कमला नगर है यूथ हैंगआउट जोन, युवा वहां पे खूब, और युवाओं का एक तरह से अड्डा है वो। दूसरा बाजार है खारी बावली, बेस्ट स्पाइसेस, लीगेसी फ्रॉम ओल्ड मुगल एम्पायर। वो एक तरह से मसालों का, दुनिया भर के मसाले आपको वहां पे मिलेंगे। तीसरा बाजार है लाजपत नगर, हाई एंड स्ट्रीट फैशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग शॉपिंग। वहां पे फैशनेबल सब चीजें मिलती है, और अगर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो लाजपत नगर में आपको कपड़े, ये वो सारी शादी की शॉपिंग आपको वहां पे कर सकते हैं। चौथा मार्केट है सरोजनी नगर, फास्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग स्ट्रीट मार्केट। और पांचवा मार्केट है कीर्ति नगर, वन स्टॉप शॉप फॉर फर्नीचर एंड हाउस होल्ड डेकर। सब जानते हैं कीर्ति नगर फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो सबसे पहले इन पांचों बाजारों की मार्केट एसोसिएशंस को, सभी दुकानदारों को, लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनके ये पांचों मार्केट चूज की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्केट्स को नहीं करेंगे, फर्स्ट फेज में इन 5 को कर रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली की सारी मार्केट्स को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है अब एक डिजाइन कॉम्पिटिशन रखना है, किस मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए। देश के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स
और देश के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स इस डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 6 हफ्ते के बाद, लगभग अगले 6 हफ्ते के अंदर ये डिज़ाइन कंपटीशन हम अनाउंस कर देंगे, और उनसे जो डिज़ाइन आएंगे उसमें जो बेस्ट डिज़ाइन होंगे उन बेस्ट डिज़ाइन के बेसिस पे इन मार्केट्स को रीडेवलप किया जाएगा, इन मार्केट्स को बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज जो ये मार्केट्स हमारी दिल्ली की आन बान और शान है, इन्हें दुनिया की आन बान और शान बनाएंगे। इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा, मार्केट्स अच्छे तो दिखेंगे, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे मार्केट शॉपिंग करने के लिए आएंगे, पूरी दुनिया के सामने इनको प्रेजेंट किया जाएगा, रोजगार बहुत बढ़ेगा। जो आज देश में रोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, अगर इनको अच्छे से डेवलप करते हैं तो रोजगार बहुत बढ़ेगा, जो सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू।